नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 लगभग अपने खात्मे की ओर बढ़ चला है और अब प्लेऑफ्स में यहां पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्लेऑफ्स में टीमें पहुंचेंगी। तीन तो लगभग फाइनल दिख रही है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चौथी टीम कौन होगी उसको लेकर लड़ाई जारी है, लेकिन एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको माना जा रहा है कि इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुके हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो अगला मुकाबला केकेआर के खिलाफ जीते और केकेआर को हर हाल में रौंदने के लिए एमएस धोनी की टीम में कई बदलाव एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बीते संडे को आरसीबी को हराया शाम के मुकाबले में, उसके बाद सीएसके की टीम अब कॉन्फिडेंट नजर आएगी, वो यहां से पॉजिटिव्स लेकर जाएंगे और ऐसा लगता है कि एमएस धोनी टीम में फिर बदलाव कर सकते हैं। लुंगी एंगिडी को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है इन प्लेस ऑफ हेजलवुड। मिचेल सैंटनर शायद हो सकता है अगले मैच में बाहर बैठे, इमरान ताहिर को एक मौका लगातार देंगे और साथ ही नारायण जगदीशन की कोई गलती नहीं है। पहले मैच में उन्होंने रन किए, दूसरे मैच में अनफॉर्चुनेट रहे, आउट हो गए, लेकिन केदार जाधव और बाकी खिलाड़ियों को खिलाने से अच्छा आप थोड़ा सा इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए ताकि आपकी जो यंग टीम जो है जिन पर आपने दाव लगाया है उनको भी आप साबित करने का मौका दें। और शायद यही वजह है कि ये तीन खिलाड़ी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। के एम आसिफ को भी मौका मिले, जैसे मोनू कुमार को मौका दिया गया था, तो के एम आसिफ भी टीम के लिए एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो के एम आसिफ, नारायण जगदीशन और लुंगी एंगिडी, तीन खिलाड़ियों का टीम में आना थोड़ा सा एक फायदा पहुंचा सकता है सीएसके की टीम को अगले मैच में केकेआर के खिलाफ, क्योंकि केकेआर की टीम एक मैच में अच्छा कर रही है, दूसरे में और बुरा कर दे रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कल पंजाब ने जिस तरीके से हराया है केकेआर को, उसके बाद तो केकेआर का कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से डाउन है और पंजाबियों शान बकरी वाली बात है। किंग्स इलेवन पंजाब के साथ लगातार पांचवी जीत और एक पंजा रख दिया है जीत का और दावेदारी एक बार फिर ठोकी, अपने आप को जिंदा रखा है आईपीएल में। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि केकेआर के खिलाफ सीएसके की टीम जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। वहां हमारे चैनल एनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।